आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा 7, विषय गणित, प्रश्नावली 4, भाग 2, प्रकरण समीकरण हल करना। आओ हम एक समीका लेते हैं, जैसे 8 - 3 = 4 + 1। इस समीका में दोनों पक्ष समान हैं। इस समीका में हम दोनों पक्षों में किसी एक संख्या को चारों संकीर्ण में रखते हैं, जैसे 8 - 3 + 2 = 4 + 1 + 2, यानी 7 = 7। 8 - 3 - 2 = 4 + 1 - 2, यानी 3 = 3। 8 - 3 × 3 = 4 + 1 × 3। 24 - 9 = 12 + 3 = 15। 8 - 3 / 2, 4 + 1 / 2, यानी 5/2 = 5/2। जब हम चारों संक्रिया में दोनों पक्षों में एक ही मान रखते हैं तो समीका सत्य होती है। लेकिन हम दोनों पक्षों में चारों संक्रिया में अलग-अलग मान रखेंगे तो समीका सत्य नहीं होती है। उपरोक्त निष्कर्ष समीकरणों के लिए भी मान्य होते हैं, क्योंकि प्रत्येक समीकरण में चर केवल संख्या ही निरूपित करता है। अतः समीकरण एक तोलने वाली तराजू के समान है। तराजू के दोनों पलड़ों पक्षों को समान रखने हेतु पलड़ों के दोनों तरफ या तो समान कोई वस्तु डालिए या समान वस्तु निकालिए तो पलड़े बराबर रहेंगे। इसी प्रकार समीकरण के भी दोनों पक्षों को बराबर रखने हेतु समान संख्या जोड़नी, समान संख्या घटानी पड़ती है या गुणा भाग करनी पड़ती है। जैसे x - 3 = 10, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर x - 3 + 3 = 10 + 3, x = 13। x + 3 = 5 + 3, दोनों पक्षों में 3 घटाने पर x + 3 - 3 = 5 + 3 - 3, x = 5। 5y = 35, दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर 5y/5 = 35/5, y = 7। m/2 = 5, दोनों पक्षों को 2 से गुणा करने पर m/2 × 2 = 5 × 2, m = 10। गृह कार्य, निम्न समीकरण हल कीजिए। 1, 10p = 100। 2, 3s = -9। 3, 2y - 6 = 0। 4, 3x + 12 = 0। 5, p/4 = 5। 6, 5m + 7 = 17।